कोरोना के लक्षण दिखाई देते ही तुरंत उपचार मिलने से बीमारी ठीक हो सकती है। मेरा परिवार मेरी जिम्मेदारी, यह मुहिम रामबाण उपाय साबित हो सकती है। इसलिए आरोग्य प्रणाली ने बहुत ही सक्रिय रहकर सर्वेक्षण करें और जिले के नागरिकों को सर्वेक्षण करने वाली टीम को सकारात्मक प्रतिसाद दें। ऐसी अपील जिला परिषद की अध्यक्षा रश्मि बर्वे ने की है। कोविड-19 के संदर्भ में सरकार की ओर से मेरा परिवार मेरी जिम्मेदारी अभियान चलाया जा रहा है। इस संदर्भ में सोमवार को जानकारी देने के लिए जिला परिषद के अध्यक्ष रश्मि बर्वे ने जिला परिषद के डॉक्टर आबा साहेब खेड़कर सभागृह में पत्रकार परिषद ली। इस समय बोलते हुए उन्होंने स्पष्ट किया कि आरोग्य प्रणाली की सक्रियता और उसे मिलने वाले प्रतिसाद से निश्चित कोरोना महामारी और उससे बढ़ने वाला मृत्यु दर कम होने में मदद मिलेगी। बीते मार्च से शुरू हुई इस महामारी ने उग्र रूप धारण कर लिया। नागपुर जिले में बड़े पैमाने पर मृत्यु दर बढ़ रहा है। इसके लिए कोरोना बीमारी जिन्हें सबसे ज्यादा प्रभावित कर सकती है वो जिन्हें सांस लेने में तकलीफ हो, रक्तचाप, मधुमेह, कर्क रोग, हृदय रोग, किडनी की परेशानी जैसे बीमारियां है। इन लोगों ने लक्षण दिखते ही प्रशासन को अपनी जानकारी देना आवश्यक है, जिस वजह से नजदीकी सरकारी अस्पताल में आवश्यक उपचार तुरंत मिल सकता है। इसके अलावा प्रशासन के पास कोविड से सबसे अधिक खतरा होने वाले नागरिकों के नाम भी हो, जिस वजह से नाम दर्ज करते हुए नागरिकों ने सहकार्य करने की अपील उन्होंने की। इसी के साथ आरोग्य प्रणाली ने भी जांच मुहिम शुरू करते हुए नागरिकों से मास्क लगाने, सैनिटाइजर और साबुन का उपयोग कर हाथ स्वच्छ धोने, इसके अलावा सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने की जानकारी देने की भी अपील की है। इस मौके पर मुख्य कार्यकारी अधिकारी योगेश कुंभेजकर, विषय समिति अध्यक्ष नेमावली माटे, उज्ज्वला बोंढारे, भारती पाटिल, तपेश्वर वैद्य, जिला स्वास्थ्य अधिकारी दीपेंद्र सेलोकार उपस्थित थे। माझे कुटुंब माझी जबाबदारी ही मोहीम आपण यासाठी सुरू केली आहे की आता दिवसेंदिवस हा आपला मृत्यूचा आकडा वाढत चाललेला आहे। तर आशा वर्कर्स आहे, अंगणवाडी सेविका आहे, शिक्षक आहे, हे घरोघरी 15-50 घरांचा कंटिन्यू अपडेट घेणार आणि त्या अनुषंगाने आपल्याला कळणार, कारण की बऱ्याचदा असं होऊन राहिलेलं आहे ग्रामीण भागामध्ये की लोक लपवत आहेत, त्यांना काही सिम्पटम्स जर जरी जाणवत असले तर कुठेतरी ते म्हणजे त्यांच्या मनामध्ये अजूनपर्यंत भीती आहेत कायम की ती अजूनपर्यंत निघालेली नाही आहेत। जर हा सर्वे आपण कंटिन्यू सुरू करू तर यामुळं काय होईल की नक्कीच त्या घरातील कुणाला सिम्पटम्स आहेत का, कुणी जर पॉझिटिव्ह असेल तर त्यांना इतरांपासून कशा प्रकारे वेगळं राहायचं याकरता ते सूचना देतील। त्यांनी इतर आपली वॉशरूम जे आहेत, बाथरूम एकच न वापरता वेगळं थोडं स्वतःला वेगळं राहायचं, भांडी आपली स्वच्छ करायची, आपल्या मुलांबाळापासून कसं वेगळं राहायचं, हे यांना आपल्याला भरपूर अशा 50-100% आपल्याला मदत होईल। आणि यामध्ये मला असं वाटतं की किमान जो आपला मृत्यूचा आकडा आहे तो कमी होईल। नागरिकांना माझं हेच आव्हान आहे की माझे जिल्ह्यातील सर्व माझ्या बंधू माझ्या भगिनी तर यांना एकच सांगू इच्छिते आणि नम्र ह्याची माझी विनंती राहील की स्वतः आपल्या परिवाराची जर काळजी घेत असाल तर स्वतःला इतरांपासून थोडं बाहेरच्या वातावरणापासून स्वतःला सेफ ठेवा की जेणेकरून आपला परिवार आपल्या हातातच असतो वाचवण्यासाठी। म्हणून स्वतः वारंवार हँडवॉश करणे, स्टीम घेणे, मास्क लावल्याशिवाय अजिबात घराबाहेर पडू नये आणि इतरांपासून बाहेरचा जास्तीत जास्त संपर्क टाळावा, हीच माझी कळकळीची विनंती आहे। INBCN न्यूज के लिए दीपिका धनेश्वर की रिपोर्ट।